असलम दोस्तों आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश कहते हैं मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है ब्राय मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके दोस्तों आज मैं आपको जो नुस्खा बताने लगा हूँ ये एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं बना के तो ये उस वक्त तक आपके रॉड में सख्ती को बरकरार रखता है जब तक आप अपने रोड को धो नहीं लेते इस नुस्खे को बना के अगर आपके अंदर कोई कमजोरी नहीं है तो इस नुस्खे को बना के अगर रात में दस बार भी हम बिस्तरी करना चाहें तो कर सकते हैं ये इस कदर सख्ती लाता है इस कदर ताकत पैदा करता है बहुत ही मामूली सा नुस्खा है कोई महंगा नुस्खा नहीं है बहुत ही आम और आसान सी चीज़ों से यह नुस्खा तैयार होता है इस नुस्खे को बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती ज़्यादा महंगा भी नहीं है ऐसे अफराद जो चाहते हैं कि एक रात में दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा हम बिस्तरी करना चाहते हैं उनके लिए एक नायाब तोहफा है नुस्खा क्या है बहुत ही मामूली सा है चलिए शुरू करते हैं इसमें हमें चाहिए होगा सुहागा एक माशा कफूर हमें चाहिए एक माशा इस नुस्खे की तैयारी में हमें जो अज्जा चाहिए होंगे वो नोट फरमा लें सुहागा हमें चाहिए एक माशा काफूर हमें चाहिए एक माशा लौंग हमें चाहिए होंगे बारह अदद बारह अदद आपने लौंग लेने हैं और आपने काली मिर्च जो है वो लेनी है सोलह अदद ठीक है आपने करना यह है कि इन तमाम चीज़ों को आप एक खरल में डालें खरल में डाल के इसे बिल्कुल बारीक पीस लें और अच्छी तरह से रगड़ें ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं उसके बाद आप इसमें इतना पानी डालें कि जिसकी मदद से ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए और आप इसकी चने के बराबर गोली बना सकें इसमें जब पानी डाल के आपने जितना ज़्यादा खरल करेंगे उतना ही ज़्यादा ये फ़ायदा है इसको अच्छी तरह से खरल करके आपने इसकी नखूद के बराबर यानी कि चने के बराबर आपने इसकी गोली बना लेनी है ठीक है नखूद चने को कहते हैं तिब में नखूद चने को कहा जाता है ठीक है चने के बराबर आप इसकी गोली बना लें बक्त ज़रूरत जब आपको जब आपको हम बिस्तरी करना दरकार हो तब आपने करना यह है कि आपने उस गोली को पानी में घिस कर अपने जो है नफ्स के ऊपर मल लेना है नफ्स के ऊपर और साइडों पर मलना है मल कर इसे खुश होने दें जब यह खुश्क हो जाए खुश्क होते साथ ही आपके रॉड में ऐसी सख्ती पैदा हो जाएगी ऐसी ताकत आ जाएगी कि आप जब तक इसके ऊपर पानी नहीं डालेंगे तब तक आपकी सख्ती बरकरार रहेगी आप इसको इस्तेमाल करें इस नुस्खे की मदद से आप एक ही रात में दस दस मरतबा हम बिस्तरी भी कर सकते हैं आपके अंदर अगर ताकत मुकम्मल है तो ये नुस्खा हंड्रेड परसेंट है चीज़ें खालिस लें खाल लेके इस नुस्खे को थोड़ी सी मेहनत करके बना लें यह आपको हंड्रेड रिजल्ट देता है इसको बनाएं इस्तेमाल करें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें शुक्रिया अल्लाह हाफ़िज़।